Module 162 in production analysis we are going to study the market constraint and there is one phenomenon that is called the oligopoly. What we mean by oligopoly? Basically it is related to the number of the firms when the firms they are very small in number might be the two or some but not many and they are not at the same time single. So it is in between the one and the many. But small number of the firms, so when they will be working in the market, that situation will be called oligopoly. Then, what are the particular feature attached with that oligopoly, and how it will have various influences on the amount of the quantity offered in the market? Here, the oligopolists they behave in two types, either the oligopolist or all the firms under the oligopoly they can have a very viable or the tangible or the explicit collusion I mean they accept each other they accept that the other competing firms they are in the market and these firms they take each other as a strategic interdependent firms and they follow each other decision so when they follow each other decision that does not mean they have to follow the instructions of each other बट इट विल से वो एक दूसरे के डिसीजंस के मुकाबले को रिस्पोंड करती हैं वो उसको एक्सेप्ट करती हैं और उसका फिर स्ट्रेटजिक मैनर्स में जवाब देती हैं सो इन ओली गोपली वई कैन से दट द फर्म्स दे एक्सप्लिसिटली वाजिया तरीके से स्ट्रेटजिकली डिसीजंस करती हैं वो एक्सप्लिसिट डिसीजन मेकिंग में दूसरे फर्म्स के वजूद को एक्सेप्ट करके अपनी पॉलिसीज़ को बनाते अब अगर हम इसमें देखें कि वो एक्सप्लिसिट के वे में हम क्यों कहते हैं क्योंकि जब भी कहीं पे ज्यादा नंबर ऑफ फर्म्स होंगी तो वो एक दूसरे के साथ कंपीट कर रही होती हैं तो वहां पे उस कंपटीशन में भी वो कोई ना कोई पॉलिसीज बना रही होती हैं लेकिन वो पॉलिसीज में वो एक्सप्लिसिटली मीन वाजिया तौर पर रिस्पोंड नहीं कर रही होती कभी कर रही होती हैं या कभी नहीं लेकिन मोस्टली नेचुरली जो फर्म्स वेन देयर आर इन स्मॉल नंबर वो हमेशा एक दूसरे के एक्शन को प्रॉपरली गाइडेंस के तौर पे देखती हैं वो उसको विजिलेंट रहती हैं और उनके हर रिस्पॉन्स के मुकाबले में अपनी स्ट्रेटजी को तय करती हैं और यही इसका डिस्टिंग फीचर है जो मोनोपोलिस्ट और ओलीगोपलिस्ट को एक दूसरे से मुमताज़ करता है कि ये बाकियों के तमाम एक्शन को अकाउंट फॉर करके उसका प्रॉपरली रिएक्शन में डिफ़रेंट पॉलिसीज़ का स्ट्रेटजिक डिसीजन को तैयार है अब अगर हम ओली गॉप में देखें तो यहाँ पे इनके हमें दो तरह के बिहेवियर को देखना होगा वन जिसमें वो कंप्लीटली कोलिजन में चली जाती हैं, मीन्स ऑल द फर्म्स जो दो तीन चार किसी फॉर्म में भी हो सकती हैं दे एक्ट लाइक दैट दे जस्ट फॉलो द वन डिसीजन ऑफ द प्राइस और उसी के तहत वो डिसीजन करती हैं कि हम सब ने एक ही प्राइस पे कमोडिटी मार्केट को सेल कर दी है और उसके तहत फिर वो आपस में शेयर तय कर लेती है ट्वेंटी परसेंट शेयर कौन देगा थर्टी परसेंट मार्केट सप्लाई कौन करेगा माइट भी ये शेयर इक्वल हो ये शेयर डिफरेंट भी हो सकता है कीपिंग इन व्यू द साइज और द कैपेसिटी ऑफ द फर्म लेकिन क्योंकि मार्केट में वो प्राइस एक जैसी देती है तो इस प्राइस फिनोमिन को देखते हुए अगर हम देखें तो ये तमाम नंबर ऑफ द जो स्मॉल नंबर ऑफ द फर्म्स हैं कलेक्टिवली दे एक्ट एज ए मोनोपोलिस्ट सो वैन द एक्ट एज ए मोनोपोलिस्ट दे हैव अ सर्टन पावर और वो पावर किस चीज़ की होती है कि नाउ दे कैन डिसाइड द मार्किट फोर्सेज वो चाहें तो मार्किट की सप्लाई को करटेल कर दें वो चाहें तो ड्यू टू दर्टेलमेंट ऑफ़ द सप्लाई अपनी प्राइस को एनहानस कर लें और वो चाहें तो मार्किट में डिस्ट्रॉक्शन कर लें सो ड्यू टू दिस क्लिजन दे एक्ट एज ए मोनोपोलिस्ट एंड देन दे कंट्रोल द मार्किट प्राइस मार्केट क्वान्टिटी उसकी डिस्ट्रीब्यूशन और उसके ये सारे सेटअप को आपस में मिलजुल के एज ए मोनोपलिस्ट डील कर सकते और यहीं पे एक दूसरी फॉर्म वो हो सकती है जिसमें ये एज ए मोनोपलिस्ट के तौर पे मेन कोलिजन इतना स्ट्रांग आपस में ना करें कार्टल ना बनाए और इसको हम कार्टल का नाम देते हैं वो ना बनाए और वो आपस में एक दूसरे के साथ कंपटीशन ना करें एक दूसरे का लेकिन इंटरडिपेंडेंट ज़रूर हों अब ये जो इंटर डिपेंडेंट्स होने में वो कम्पीट नहीं कर रही होती लेकिन एक दूसरी फर्म्स के हर एक्शन का एक स्ट्रैटेजिक रिस्पॉन्स ज़रूर प्रिपेयर किया जाता है कि दैट अगर अगली फर्म जो है वो प्राइस जो दूसरी फर्म है अगर वो इंक्रीज करेगी तो हमने क्या करना है अगर वो प्राइस डिक्रीज करेगी तो हमने क्या करना है अगर वो कोई एक्टिव और प्रोएक्टिव टाइप की मार्केटिंग स्ट्रेटजी और डिज़ाइन करेगी तो हमने उसको रिस्पॉन्ड कैसे करना है एंड लाइक वाइज तो दी स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग जो है इट इज़ मच मोर डिफ़िकल्ट टू प्रोडिक्ट और वजह क्या है कि जो नॉन स्ट्रैटेजिक डिसीजन है अगर वो रैशनल हो तो उसको ईजीली प्रडिक्ट किया जा सकता है लेकिन जो स्ट्रैटेजिक डिसीजन है वो अगर रैशनल भी हो तो उसको प्रडिक्ट करना बहुत मुश्किल होता है इसीलिए लिए यहाँ पर तमाम फॉर्म्स को बहुत विजिलेंट हो के एक दूसरे की तरफ देखना होता है और उसके मुकाबले में फिर वो अपने डिसीजंस को फॉलो कर रही होती हैं और अपने बिजनेस के बारे में तय कर रही होती हैं और ये हमें क्यों ज़रूरत है इफ़ कोई से कि वाई द फर्म्स दे हैव टू चेक और हमें ये डिस्टिंगशन uh, क्यों रखनी है कि वो स्ट्रैटेजिक डिसीजन कर रही हैं यानी बिकॉज दिस स्ट्रैटेजिक डिसीजन इट हेल्प्स अस टू डिसाइड द अमाउंट ऑफ द क्वांटिटी ऑफर्ड इन मार्केट और यही स्ट्रैटेजिक डिसीजन हमें उनकी प्राइस स्ट्रैटेजीज को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है यही स्ट्रैटेजिक डिसीजन ये बताएगा कि हाउ द फॉर्म दे विल बिहेव आइदर द आई विल बी द लीडर फॉर्म विच विल फॉर्म विल बी द फॉलोअर फॉर्म और आइदर द फॉर्म दे विल नॉट हैव द स्ट्रैटेजिक डिसीजन तो उसके नतीजे में मार्केट की सिचुएशन फ्यूचर में कैसी हो सकती है हम फ्यूचर में मार्केट में क्वांटिटीज की जो सप्लाई है उसको फोरकास्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते सो कीपिंग इन व्यू दिस ओली एज ए मार्केट कॉन्स्ट्रेंट तो अगर हम देखें तो एक डिफरेंट फिनोमिना है दैट प्रिवेल्स इन द मार्केट और अगर मैं इसकी एक सादा सी एग्जाम्पल आप लोगों को दूँ तो शायद आप लोगों को क्वाइट ईजी लगे कि कहीं अगर आप ट्रैवल कर रहे हों और रात को बहुत लेट आप अपने घर जाने के लिए किसी बस स्टॉप पे जा रहे हों तो आप देखेंगे कि वहाँ पे मौजूद टैक्सी वाले या अगर आपको रिक्शे पे जाना है तो वो पाँच दस अगर अवेलेबल हों क्योंकि वो टाइम बड़ा डिफरेंट होता है तो वो सभी को अगर हम इन फॉर्म में देखें कि वो कार्टल बना लेते हैं क्योंकि हो सकता है कि वो नेचुरली उस वक्त जो प्राइस ऑफर होनी है या रेट होना है वो डिफरेंट हो लेस हो लेकिन चूंकि वो पांच या सात जो अवेलेबल हों और वो एक ही रेट आपको दे रहे होंगे तो देन यू आर बाउंड कि आपको उसी एक प्राइस रेट पर ही उनसे डील करके घर जाना होगा तो इन दिस फॉर्म में उस कार्टेलाइजेशन के जरिए दी स्मॉल नंबर ऑफ द फॉर्म्स दे एक्सरसाइज देयर मोनोपोलिस्टिक वे एंड दे चार्ज हायर लेवल ऑफ द प्राइस एंड गेट मोर प्रॉफिट इसी तरीके से जो कि कमोडिटी को सेल करने वाले अगर पाँच दस लोग अगर आपस में मिल जाएंगे तो डेफिनेटली दे विल बी एबल टू प्रिवेल इन द मार्केट विद द हायर लेवल ऑफ द प्राइस तो दीज आर द फिनिना देट प्रिवेल इन द मार्केट वैन स्मॉल नंबर ऑफ द फर्म्स दे आर